सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। उपवास प्रार्थना, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इसी चरण पर उपवास लगातार प्रार्थना आ रही है हर सुबह 8 बजे। एक बात और कहना चाहता हूँ, शॉर्ट प्रार्थना जरूर देखा करो। जैसे है अब यूट्यूब पे जो फंक्शन आया शॉर्ट का, जैसे हम सब जानते हैं शॉर्ट वीडियो होती है, वो मैं अधिकतर इसलिए डालता हूँ ताकि लोग अननेसेसरी पे ना जाए बल्कि अपना टाइम प्रार्थना में लगाए, मीनिंगफुल प्रार्थना, सवाल जवाब इस पर लगाए। तो सुबह 5 बजे से वो प्रार्थना स्टार्ट हो जाती है। बहुत छोटी प्रार्थना होती है, 4 सेकंड की, 5 सेकंड की, भविष्यवाणी होती है, घोषणाएं होती है और कुछ सवाल जवाब होते हैं, वचन होता है। तो आप उस प्रार्थना में जरूर जाए, वो स्पिरिचुअल शॉर्ट वीडियो का चलन है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो कृपया उस प्रार्थना के बाद आप वो प्रार्थना जरूर देखना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना समझाना आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जो उपवास प्रार्थना में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारा 5वां उपवास है परमेश्वर के अनुग्रह से, और ऐसे ही बढ़ती रहे और बहुत जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, ये हमारी प्रार्थना है जैसा प्रभु ने कहा है। और संकट, परेशानी, दुख आए, तकलीफ आए, लेकिन हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। दूसरी बात, आज उपवास में का जो टाइटल है वह है उपवास में भूल से ये काम ना करें, क्योंकि ये टाइटल देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये उपवास पति पत्नी रखे या कोई भी रख रहा है, गलतियां सबसे होती है, तो उन गलतियों से हम बचेंगे ताकि हमारे उपवास परमेश्वर के पास बड़े आराम से पहुंचे, हमारी प्रार्थना में कोई रुकावट ना आए। कभी कभी उपवास तो रख लेते हैं कि डाइटिंग हो जाती है। आज कुछ उपवास की बातें हम करेंगे, वचन जो प्रभु ने दिया है उस वचन के अकॉर्डिंग। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, इस वचन के द्वारा हमारी आंखें खोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे जो प्रभु जो वचन दिया है वो है मत्ती 6:16 लिखा है, उपवास टाइटल है, लिखा है जब तू उपवास करो, जब तुम उपवास करो, जैसे अब हम उपवास कर रहे हैं, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। पहली बात, उदास नहीं होना। मैं आपको दो बात बताऊंगा, हमें जाहिर नहीं करना है। अब देखो अनाउंसमेंट हो गई अलग, लेकिन कभी कभी जो गुप्त उपवास होते हैं, मैं खुद रखता हूं, आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन ये है योएल वाले, योएल 2 के अनुसार कि बता दे, एक बार बता दिया। लेकिन अगर हम इसको डेली गाएंगे, बेशक हमसे कोई पूछ नहीं रहा फिर भी हम गा रहे, बल्कि हमारा कोई राइट नहीं बनता। जैसे आप उपवास रख के काम पे गए और आप काम नहीं कर रहे, अब वो पूछ रहा आपसे, भाई आज काम क्यों नहीं कर रहा? अरे मैं उपवास में हूं यार, काम नहीं हो पा रहा मुझसे। अरे मैं जल्दी जाना, मैं उपवास में हूं। भाई मैं लेट आया क्योंकि मैं उपवास में था, प्रार्थना कर रहा था। यानी कि हर बार हर टॉपिक पे उपवास करना और अपने आपको ये बताना कि बहुत कष्टिन उपवास है, देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया, तो ये दिखावा हो गया। साफ लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। उदासी नहीं, बल्कि नॉर्मल जैसे रहते हैं। कभी बाई चांस कोई पूछता है, भाई तुम लंच क्यों नहीं कर रहे, तब हम बता सकते हैं, क्योंकि वो बताना पड़ेगा। आप एक दिन एक झूठ नहीं बोल सकते कि आज मेरा पेट खराब है, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसे बताना है आपको जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप जॉब हो, बिजनेस हो या कोई भी कॉलेज, अगर कोई पूछता है, आप डेली उनके साथ लंच करते, भाई आप लंच क्यों नहीं कर रहे, भाई मैं 40 दिन तक आपके साथ लंच नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, क्योंकि मैं 40 दिन तक उपवास है। बस एक बार बोल दिया, और जब वो दोबारा पूछे भूल जाए, अरे अरे भाई कल तो बताया था ना, बस ये कहना है आपको, इससे आप बचोगे, क्योंकि वो मजबूरी है, ऐसे ही बताना है। ठीक है, जब तुम उपवास करो तो कपटों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते ताकि लोग उन्हें उपवास ही जाने। लोग जाने, अरे ये बहुत उपवास करता है, बहुत करती है, अच्छा भाई से काम मत कराओ, है ना, हम भाई, और घर में भी मैं काम नहीं करूंगी, मैं काम नहीं करूंगा, मैं उपवास में हूं ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस लेटा रहूंगा, सोता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसे भी नहीं, उपवास का मतलब है आप सारे काम करो, लेकिन प्रार्थना ज्यादा करो, वचन पढ़ो और अंगीकार करो, और जो उपवास में आपको चाहिए वो मांगो, ताकि परमेश्वर हमारी अपनी छवि बदले और प्रभु आपको मन चाह वर दे, यानी कि मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। लेकिन क्या मांगना है? प्रभु तेरी इच्छा में पूरी हो, वरदान मांगो, स्पिरिचुअल वरदान मांगो, शांति मांगो परमेश्वर से। फिर क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह के निकले बोले कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, यानी कि उनको जो मिलना था मिल गया, क्योंकि क्या लोगों से बड़ाई मिल गई। प्रतिफल का मतलब लोगों ने बड़ा कर लिया, और भाई इसके पास है, परमेश्वर से नहीं मिला, लोगों से प्रतिफल मिल गया। अब या तो लोगों से ले लो, परमेश्वर से ले लो। फिर क्या लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, यानी कि फ्रेश हो और मुंह धो। हमारा परमेश्वर कहता है मुंह, यानी कि चमक तेरे चेहरे पे हो। उदासी हटाने के लिए क्या होता है, इंसान मुंह धोता है ना, जब भी लगे उदासी आ रही है, अगर आपको उदासी आ भी रही है तो आपको मुंह धोना, फ्रेश होना है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या बात है। दूसरा, उपवास में टीवी मनोरंजन की चीज नहीं देखना है,
ठीक है, यानी कि अपने आप को संसार चीज से बचा के रखना है और प्रार्थना लेकर रखना है, और जो चीज आपके पाप है, जो आपकी बुरी आदत है, जो भी हो, चाहे वो ज्यादा खाने की हो, सोने की हो, आलसीपन हो, या कुछ भी एडिक्शन या आपके बच्चों का, उसको ज्यादा प्रार्थना में रखना है और वो ये चीज छुड़ा, ताकि मैं उपवास के बाद भी यही जीवन को रूटीन करूं। कभी कभी क्या होता है, उपवास में हम बहुत सारी बाइबल पढ़ लेते हैं और पूरे 365 के बाद जो 40 गए उसमें से 300 दिन हम कुछ नहीं पढ़ते, ये भी नहीं, एक जैसा को चलना है। प्रार्थना ये करनी है, प्रभु मेरे उपवास में ये चीज मुझसे हटा, ताकि मैं डेली यही मेरा नियम हो, ये मेरी प्रार्थना हो, ये मेरे सब कुछ। उपवास में हमें पावर मिलती है ताकि हम डेली ऐसे ही चलते रहे। दूसरा, मैं पति पत्नी से फिर कहूंगा, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं, कि जो भी उपवास रख रहे हो इन 40 दिन में आप फिजिकल नहीं होना है, फिजिकल नहीं बनाने। पति पत्नी जो भी हो, चाहे वो आशादी हुई हो, चाहे होने वाली हो, उपवास में तो शादी नहीं होगी, क्योंकि उपवास में शादी, उपवास में रखेंगे तो शादी कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि उपवास में आपको फिजिकल नहीं होना है। अगर आपका पति सही नहीं है तो आपको प्रार्थना करनी है, और अगर आपका पति इस समय फिजिकल की जीत करता, क्योंकि अन्य वो है अन्य जाति, यानी कि प्रभु को नहीं मानता शैतान ने, तो आप अगर उसका फिजिकल हो भी जाते मजबूरी में, तो आप तुरंत सुबह नहाओगे और प्रार्थना करोगे, हालेलुया प्रभु मैं क्षमा चाहती हूँ, उससे उपवास नहीं टूटेगा, और तुरंत आप होंगे फिर से पवित्र बन जाना, क्योंकि आप मजबूरी में अपने पति की जिद पूरी करिए, वो एक शैतान का वार है, लेकिन आप उपवास कैरी ऑन कर सकते हैं मजबूरी में, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी। अगर आपकी पत्नी या पति मसीह में नहीं है और वो शैतान उनके अंदर आके आपको वार करता है, फिर भी बचने की कोशिश और नहीं बच पाते, पति बच जाए अगर पत्नी नहीं बच पाएगी, तो आप सुबह उठते के साथ ही आप फ्रेश होंगे, नहाएंगे और खुदा मुझे पवित्र कर और क्षमा कर, फिर आप कैरी ऑन करके उपवास नहीं टूटेगा आपका। देखिए, जो पति पत्नी है जो जानते हैं कि उपवास में पवित्र रहना है, अगर वो फिजिकल होते तो पाप हो गया, जानकर जो भी गलती करोगे पाप हो जाएगा मेरे जी, तो शैतान की ओर से कहो तो वो प्रभु एक मौका देता है हमें बचने का, समझ गए। तो इन गलतियों से हमें बचना है ताकि उपवास में हम शामिल हो सके। उपवास खाने पीने से नहीं टूटता है, उपवास इनसे से टूट जाता है जब हम शैतान को मौका देते हैं, या उपवास को हम डाइटिंग करते हैं, या फिर हम टाइम इस खराब करते हैं, सिर्फ यह मतलब जल्दी खुल जाए, बस खुल जाए उपास, ऐसा नहीं करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आपको बतानी थी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस महत्वपूर्ण बातों के लिए, ताकि पिता शैतान इस प्रार्थना को रोके ना, और जब हम उपास में तेरे हुजूर के साथ चलेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रतिफल के साथ वापस आएगी, और आ रही है मैं विश्वास करता हूँ पिता, ये हफ्ता जो गुड न्यूज का है इनके जीवन में आने पाए, हर एक ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आने पाए, जितने तेरे दास उपास रख रहे हैं पिता उनकी शुद्धि लेना, और जो नहीं रख पा रहे उनकी भी प्रार्थना सुनना, क्योंकि इसी सब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और पिता हर गलती खता को, हर शैतान को इन हमसे दूर रखना, उपवास का अनुग्रह तेरा अनुग्रह उपवास में दिखे और पूरा उपवास हम कर पाए, यही हमारी प्रार्थना है। इस चैनल के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। अब उस चैनल पर जाइए, शॉर्ट वीडियो का चलन है, बहुत अच्छा चलन है, जिसके द्वारा आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, प्रार्थना मिलेगी, और आप डेली प्रार्थना शॉर्ट वीडियो जो आप देखते हो संसार है, उससे अच्छा है कि आप शॉर्ट वीडियो का ये चलन को अप्लाई करें, उसके बाद देखना कि आपकी लाइफ और कैसे ब्लेस होती है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।